मोदी जी मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए मंदिर बनवाऊंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके भक्त कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ रूपल व्यास। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब चाहे अच्छी वजह हो चाहे ये बुरी वजह से हो, जुबान पर केवल पीएम मोदी का ही नाम छा रखा है। और अब बिहार के बेगूसराय के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता फूल सिंह ने मीडिया के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान बताया है। जी हाँ, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। फूल सिंह ने मीडिया के सामने उनसे बातचीत के दौरान ये कहा है कि 12 दिन पहले मैं भीमशंकर गया था। अचानक मेरी इच्छा हुई कि होटल में तो मैं हमेशा रुकता हूँ, पर इस बार मंदिर के प्रांगण में ही रुक जाऊं। मैंने मंदिर के पुजारी से रात को रुकने की अनुमति ले ली और उसी रात बाबा विद्यापति और भगवान शिव मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर के 500 साल बाद इस हिंदुस्तान में कोई शिव भक्त हुआ है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई हैं। पिछले 10 सालों में वह काम हुए हैं जो दशकों से नहीं हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराया और अब भीमशंकर में भी कॉरिडोर बन रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ा शिवदूत है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी है। फूल सिंह ने पीएम मोदी को सिर्फ भगवान ही नहीं बताया बल्कि ये भी कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बनवाएंगे। उनका कहना है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवा रहा हूँ जहाँ बरसों तक लोग उनको जान सकेंगे और उनकी पूजा कर सकेंगे। बिहार मेरी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, इसलिए दोनों जगह पहले मंदिर बनवाऊंगा। अभिनेता फूल सिंह का ये भी कहना है कि उन्होंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, वो भगवान उन्हें मानते हैं और मानेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिनेता फूल सिंह ने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं और इनकी अभी कई फिल्में आनी बाकी हैं। फूल सिंह सिर्फ फिल्मों से ही नहीं समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए आवाज उठाते हैं। यही नहीं, फूल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार भी मिल चुका है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ वीके न्यूज पे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।